सैमसंग गैलेक्सी M13 5G बहुत सारी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। इसका बैक पैनल भी लीक हो चुका है कि इसमें कैसे कटआउट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये फोन की प्रोडक्शन इंडिया में होगी एंड ये फोन आपको इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। ये सक्सेसर होगा M12 का, वो एक 4G फोन था, ये एक 5G फोन होने वाला है और एक ये बजट 5G फोन होगा। तो इसकी सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन के चिपसेट से जो इस फोन को 5G बनाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 480+। अब ये 4 सीरीज का है लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और साथ साथ 5G कैपेबिलिटीज तो है ही। तो यहाँ पे आपको अच्छे बैंड्स देखने को मिलेंगे जो सैमसंग यूजुअली अपने सारे 5G फोन्स में देता है। तो ये फोन डेफिनेटली फ्यूचर प्रूफ होने वाला, तो अगर आपको एक बजट 5G फोन चाहिए तो ये फोन डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब चलें डिस्प्ले की तरफ, यहाँ पे आपको मिलेगी 6.5 इंच की LCD डिस्प्ले। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन होने वाला है वो होगा 720p वाला रेजोल्यूशन, मतलब HD रेजोल्यूशन होगा, जो कि मुझे पसंद नहीं है क्योंकि अगर आप एक ऐसा फोन दे रहे हो जो 10,000 के ऊपर है तो उस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली आप फुल HD+ दे सकते हो। M12 में भी HD+ रेजोल्यूशन था, यहाँ पे भी आप सेम रेजोल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट मिल सकता है। अब रियर पैनल जो इसका लीक हुआ है वहां पे आपको दो कैमरा सेंसर्स का कटआउट देखने को मिलता है, एक होगा 50MP का प्राइमरी सेंसर और दूसरा सेंसर हो सकता है या तो 2MP का मैक्रो या 2MP का डेप्थ सेंसर। तीसरा जो कटआउट है वो है LED फ्लैश के लिए, तो वहां पे आपको फ्लैश देखने को मिलेगी और फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 16MP का। तो डिसेंट कैमरा सेंसर्स हैं और इस प्राइस पॉइंट में डेफिनेटली आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज पे सैमसंग फोकस कर रहा है वो है 5G कैपेबिलिटीज। अब M सीरीज में आपको अच्छी बैटरी साइज देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी आप एटलीस्ट 5000mAh की बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, 6000mAh भी हो सकती है जैसे M12 में आपको देखने को मिलती थी। और चार्जिंग की बात करें तो ये 15W फास्ट चार्जिंग के साथ लिस्ट हुआ है। आई नो 15W आज के टाइम के हिसाब से फास्ट नहीं है, टेक्निकली फास्ट है लेकिन आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपके फोन को चार्ज होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेटर यही है ओवरनाइट चार्ज करो, रात को चार्ज करो और सुबह यूज करो, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब एक चीज जिसको लेकर मैं कंसर्न हूं वो है इसका स्टोरेज टाइप। अब M12 में आपको देखने को मिलता था eMMC 5.1 जो कि काफी स्लो स्टोरेज टाइप है, तो अगर यहां पे भी वही स्टोरेज टाइप होगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वही होने वाला है तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा डिग्रेड होगा क्योंकि आपकी सारी चीजें स्लो चलेंगी, ऐप ओपनिंग से लेके मल्टीटास्क आपको सब कुछ स्लो फील होगा, तो वो एक चीज मुझे पसंद नहीं है। स्टोरेज यहां पे अगर UFS मिलता है, आई एम नॉट श्योर कौन सा होने वाला है, M12 को देख के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेम स्टोरेज टाइप होगा, बट आई होप इस वाले में आपको UFS स्टोरेज टाइप देखने को मिले। अब प्राइस इसका 15,000 के नीचे ही होने वाला है, 12-13,000 रुपए में ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है और बहुत ही जल्द, मे बी एट द एंड ऑफ दिस मंथ और मे बी स्टार्टिंग ऑफ जून आपको ये फोन इंडिया में देखने को मिलेगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये फोन कैसा लग रहा है, कैसी इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस लग रही हैं और अगर इस प्राइस पॉइंट पे ये आता है तो क्या आप इस फोन को लेने में इंटरेस्टेड हो गए या नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।